नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइरो करते हैं खबर की ओर। पकड़ी पेट्रोल पंप पर तेल भरने से पहले हो जाएगी सावधान, वहां करते हैं सेल्समैन बदतमीजी सवाजीत पाल। सुल्तानपुर इलाहाबाद रोड पकड़ी पेट्रोल पंप नायरा पर तेल भरने से पहले ही हो जाइए सावधान, क्योंकि गांव की ही सवाजीत पाल ने बताया वहां के सेल्समैन करते हैं बदतमीजी और मारपीट पर उतारू रहते हैं। सवाजीत पाल ने बताया 27 जुलाई को रात्रि में लगभग 9:40 पर पकड़ी नायरा पेट्रोल पंप पर तेल भरने के लिए गया और सेल्समैन ने राज बहादुर पाल मुझे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा, गाड़ी को किनारे लगा कर लो नहीं तो तुमको ठीक कर दूंगा। जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल किनारे करने लगा तो राज बहादुर पाल और अरुण कंजर ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हाथापाई करते हुए मुझे हाथ मुक्कों से काफी मारा पीटा। सवाजीत पाल ने कहा, मेरा 11,000 नगद जबरदस्ती छीन लिया गया। सवाजीत पाल ने कहा कि रिपोर्ट करने गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, इसकी सूचना मैंने डायल 112 पर दी और तत्काल पहुंचकर कार्रवाई किया और मैं सुबह जाकर प्रतापगंज चौकी पर लिखित तहरीर दी, लेकिन अब तक कोई मुलजिम बुलाया नहीं गया। और कहा, मैंने देहात कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर भी दिया, वहां प्रतापगंज चौकी के सिपाही ने कहा लिखित तहरीर मिली है और उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। सवाजीत पाल, नायरा पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डलाने गए जो पकड़ी में है, और हम जब बाइक खड़ी किए तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे मोबाइल से, तब तक जो है दूसरे सेल्समैन ने जो जिसकी ड्यूटी डीजल पे थी, जिनका नाम राम बहादुर पाल है, उन्होंने कहा गाड़ी हटाइए और उन पेट्रोल वाला नहीं कहा गाड़ी हटाने के लिए, और मैंने जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, तब तक दो आदमी भेज के इन्होंने मेरी चाबी निकलवा लिया और जो है मेरे साथ बदतमीजी की और मारपीट करने लगे, और मारपीट 10 मिनट तक हुई और कोई यहाँ से टंकी से हमको सहयोग नहीं मिला, न कोई मदद मिली टंकी से। और जो है इसके बाद वो कहे कि जो है हम 100 नंबर डायल करने लगे, कह रहे हैं क्यों सौ नंबर डायल कर रहे हो। मैंने 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर आई तो लोग जो है भग गए, जो लोग मार रहे थे। आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया? एप्लीकेशन हमने जो है चौकी पे दिया। चौकी वाले ने क्या आश्वासन दिया? चौकी वाले ने आश्वासन दिया कि जो है आप जाके मुकदमा दर्ज कराइए कोतवाली में। तो आप कोतवाली गए थे? कोतवाली गए थे, मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन दे दिया, वहाँ एप्लीकेशन दर्ज हो गया। उसके बाद जो है हमको बोले जो है अब FIR दर्ज होगा, अभी तक ना FIR दर्ज हुआ ना तो मुलजिम गिरफ्तार हुआ। FIR दर्ज हो गया है? नहीं हुआ, हमको कापी नहीं मिली है, हमको वही एप्लीकेशन है बस। आप गए थे कापी लेने? हाँ हम गए थे, लेकिन अभी मिला नहीं, अभी बोले दीवान जी आएंगे तो मतलब मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमको न्याय मिले, और क्या चाह रहे हैं। हम शुरू में नहीं गए, बाद में जो है ग्रामीण द्वारा जब मतलब आवाज़ लगी जो है, तब जो है ग्रामीण द्वारा जो है उसको मदद मिली, और उसमें जो है हमारे पास 11,000 था, 500 की नोट थी, और जो छोटे मोटे पैसे थे उसका पता नहीं, लेकिन 11,000 जो है हमारा गायब हो गया। आप आरोप लगा रहे हैं कि 11,000 आपका चोरी हो गया, वहाँ CCTV कैमरा भी लगा है। हाँ। तो आप निकलवाना चाहेंगे? CCTV कैमरा चेक करवाइए आप, CCTV कैमरे में झगड़ा हुआ है, अब आगे क्या हुआ है क्या कैसे जानेंगे हम तो भाई, हमारे साथ जो हादसा हुआ हम बता रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।